डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेहताब है और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, उस कहानी पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी आप बीती है। मेरा नाम कुछ और है, मैंने आपको अपना असली नाम नहीं बताया। काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका हूँ ना, इसीलिए पहचान छिपाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, शायद आप मेरी पहचान जानते जाएंगे। इसीलिए वो पहचान अपने मन में दबा कर रखिए, वो नाम लिखने की कोशिश मत करना कमेंट्स में। वक्त सबका बदलता है, मेरा भी बदला था। जब मैं 9 साल का हुआ करता था ना, वो गलियों में टायर लेकर लंबे डंडे से टायर को घुमाता हुआ घुमा करता था। मेरे कई दोस्त मुझे कहा करते थे, तू टायर घुमाता रह जाएगा, जबकि पूरी दुनिया घूम जाएगी तू यहीं का यहीं रहेगा। कैसे समझाता उन्हें, टायर घुमाने वाले ही आगे जाकर तरक्की करते हैं, है ना। मेरी हामी में हामी मिलाइए, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बड़े लोग पहले छोटे ही होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। मैं तरक्की की बात नहीं कर रहा, मैं कद की बात कर रहा हूँ। जो छोटा होता है बाद में बड़ा हो ही जाता है। मैं भी बड़ा हुआ, लेकिन अभी बात छोटे की चल रही है। 9 साल का था मैं, टायर को घुमाया करता था। बार बार टायर नाली में चला जाता, जिसके बाद वो पड़ोस के बच्चे मुझे पीटा करते थे और मुझे बाद में सजा दिया करते। उनकी सजा बहुत ही गंभीर होती। वो मुझे घेर लेते, मेरे कपड़े उतार देते और बिना कपड़ों के मुझे कहते, चल शायरी कर, शायरी कर। और मैं रोता रोता शायरी करने की कोशिश करता, लेकिन कहते हैं आपकी जबान पर जो शब्द आते हैं वो आपके दिमाग से आते हैं, और मेरा तो दिमाग बहुत छोटा था। जब उम्र कम थी तो दिमाग भी छोटा ही होगा ना। मेरे दादाजी बड़े शायर हुआ करते थे, यहाँ के इलाकों में उनकी शायरी लोग आज भी जबान पर दबाए बैठे हैं। वो कहते हैं कितने अच्छे शायर थे, लेकिन उनका बेटा बिल्कुल निकम्मा निकला। मेरे पिता की जबान खराब हो गई जब एक बार वो मांस को काट रहे थे। वो चाकू निकलकर हैंडल से उनकी जबान पर लगा, जिस कारण जबान कट गई। इसीलिए वो शब्दों को थोड़ा सा हकला कर बोलने लगे थे, शायरी कर नहीं सकते थे। उनका सपना था कि मैं शायरी नहीं कर पाया, लेकिन मेरा बेटा करेगा। लेकिन अपने पिता का वो बोझ अपने कंधों पर मैं महसूस किया करता था, और मेरे ये दोस्त, मेरे ये पड़ोसी मुझे परेशान किया करते। सुना शायरी सुना, और मैं इतनी गंदी शायरी सुनाता। प्यार की पतंगें दूर दूर फैली हैं, फिजाओं में बालों में घनापन है, डाई लगाई है क्या, डाई लगाई है क्या। मैं ऐसी शायरी सुनाया करता था, मुझे समझ में नहीं आता था शेर बनाए कैसे जाते हैं। इसीलिए वो पीटते और बिना कपड़ों के घर की तरफ मुझे भगा देते। टायर को घुमाते हुए आता, भले ही शरीर पर कपड़े नहीं होते, लेकिन टायर घुमाने का शौक बहुत ज़्यादा था। घर आने के बाद मेरे कानों को मेरी अम्मी घुमाया करती थी कि तू पिट कर आ गया, लड़ा क्यों नहीं। मैंने कहा, अम्मी भले ही मैं पिटा, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ उन्होंने वो भी करवाया। भले ही मेरी शायरी अच्छी नहीं थी, लेकिन बोलने का मौका तो मिला। स्कूल में घबराया करता था, शेर लिखा तो करता था, कुछ समय में भूल जाता था। स्टेज पर चढ़ता था तो मुझे वो भूले हुए शेर याद नहीं आते, और फिर से ये डाई वाले शेर मैं सुनाने लगता। मेरी टीचर्स कहा करती थी, तो कभी भी शायर नहीं बन सकता, और ये तो 9 साल की बात है। 15 साल की उम्र तक कोशिशें बहुत ज़्यादा की मैंने। अपने दादाजी का नाम ऊंचा करना चाहता था, लेकिन जबान पर शेर आते ही नहीं, घटिया से घटिया शायरी मैं किया करता। उम्र बढ़ती गई, शायरी करने की वो मेरी आदत, वो मेरा शौक बदलता गया बदलता गया। घर में गरीबी की हालत आ गई थी, लेकिन शायरी मैं अब भी करना चाहता था। कहते हैं आपकी किस्मत में जो लिखा होता है, किस्मत में लिखा आपसे दूर कोई नहीं ले जा सकता,
और ये शायरी भी शायद मेरी किस्मत में लिखी थी, इसीलिए ऊपर वाला वो शायरी मेरे करीब लाता गया। चोरी करना मुझे बहुत आसान लगता था। मैं ऐसी किताबें लेकर आता जिसमें बहुत सारे शेर होते। एक शेर की लाइन कहीं और से उठाई, एक कहीं और से उठाई, शेर बना दिया। इस तरह से अब मैं सबको इम्प्रेस करने लगा था और अपने इलाके में सबसे अच्छा शायर कहलाया जाता था। कई लोग कहते थे, तेरे शब्द सुने सुने से लगते हैं। मैं कहता, मिलाकर दिखाओ, पूरा का पूरा मिलाकर दिखाओ। मैं उन्हें कहता था, मिलाकर दिखाओ, पूरा का पूरा शेर मिलाकर दिखाओ। कोई मिलाकर नहीं दिखा पाता था। लेकिन समय बीतता चला गया। उस समय मुंबई में स्ट्रगलिंग के लिए आया हुआ था। मुझे लगा था ये चोरी के शेर मैं बेच सकता हूँ, कमाई कर सकता हूँ। शायद किसी प्रोग्राम में, किसी नाटक में या थिएटर में मैं राइटिंग कर सकता हूँ, राइटर बन सकता हूँ। थिएटर में मेरे ये चुराए गए शेर सबको बहुत अच्छे लगे। और एक ऐसा डायरेक्टर था जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, उसके सामने मैंने चुराए हुए ये शेर नहीं सुनाए, अपने दादाजी की वो आखिरी शायरी सुनाई थी। दादाजी शेर बनाया तो करते थे, लिखा नहीं करते थे। कुछ शब्द थे मरने से पहले उन्होंने लिखे थे, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर थी परिवार की। वो शेर 10 लाइनों के मैंने जब सुनाए उस डायरेक्टर को, वो कहने लगा, इससे ज़्यादा फ्रेश शेर मैंने सुना ही नहीं। तुम्हारी ज़बान पर जो शब्द आते हैं वो दिल से आते हैं, तुम्हें मैं फिल्म में काम देता हूँ। 4 महीने बाद फिल्म की शुरुआत होगी। अच्छे से अच्छी शायरी लिखने की कोशिश करना जो तुम्हें आती है, उसके बाद फिल्म हम हिट करवा के रहेंगे। मुझे यकीन है तुम्हारे शब्द आग लगा सकते हैं थिएटर पर आग। ये कहकर वो चला तो गया। मुझे भविष्य नजर आने लगा था, लेकिन धुंधला धुंधला। शेर मुझसे बनते नहीं थे, कितने चोरी करता, और फिल्म में अगर ये शायरी मैं करता तो पकड़ा जाता। जो इन शेरों का मालिक होता, भले ही एक एक लाइन वाला, वो केस तो करता। उस डायरेक्टर ने कहा था हम मिलकर आग लगा देंगे। मुझे पता था वो आग कैसी होगी। ये और मैं दोनों जलेंगे, दोनों जलकर मरेंगे जब ऑडियंस हमें आग लगाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोता रोता मैं घर आया था और अम्मी को कह रहा, अम्मी मौका तो मिला है, लेकिन मैं उस मौके को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अम्मी ने कहा हाथ धोकर आओ। मैं हाथ धोकर आया, मुझे लगा अम्मी खाना रखेगी। फिर अम्मी कहने लगी, जो पकड़ना चाहते हो अब तुम पकड़ सकते हो। बचपन से सिखाया है, जब हाथ में तेल लगा हो ना कुछ पकड़ नहीं सकते। अब बताओ कौन सा चौका मौका क्या कह रहे थे उसे पकड़ना है। अम्मी भी मेरे जैसी थी, भोली, तो मैं क्या करता। घर से बाहर निकला और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ था, मेरे पड़ोसी वो भी बड़े हुए थे, मुझे अब भी घिरा करते। शेर सुनने की वो उनकी पुरानी आदत, और घटिया घटिया शेर सुनाने की मेरी भी आदत। लेकिन इस बार मैं उदास था। रोता रोता आगे की तरफ बढ़ रहा। क्या करूं, मेरे पास 4 महीने हैं। 4 महीने में अगर मैं अच्छी शायरी नहीं कर पाया, वो डायरेक्टर मुझसे दोबारा बात नहीं करेगा। जिंदगी में एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं। ये किस्मत ने मौका दिया है। दादाजी की वो लाइंस बार बार किसी डायरेक्टर को नहीं सुना पाऊंगा। खुद का कुछ लिखना होगा, खुद का कुछ लिखना होगा। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा पीटा था, लेकिन मैं रोता रोता आगे निकल गया, सोच में पड़ा हुआ। और सामने वाले वो बूढ़े चचा जो मुझे देखकर कहने लगे, बच्चे हर बार तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है तो घटिया से घटिया शेर सुनाया करता था, लेकिन फिर भी मुझे तेरे दादा की याद आ गई। तू रोता क्यों है और आज इतना उदास क्यों है। मैंने बूढ़े चचा को पूरी बात बताई और बूढ़े चचा कहने लगे, तो ये परेशानी है कि अब तुम्हारे दादा गुजर चुके हैं, उनकी लिखी गई वो 10 लाइंस तुम्हारे काम बहुत ज़्यादा आई, और तुम चाहते हो वो डायरेक्टर को तुम ऐसी अच्छी अच्छी शायरी सुनाओ जो तुम्हारे दादा के शब्दों से मिलती हो। एक तरीका है, एक तरीका है। बूढ़े चचा के ये शब्द मेरे लिए किसी औषधि से कम नहीं थे। बूढ़े चचा के पाँव के पास बैठकर कहा, चचा बता दो, चचा बता दो। चचा बोल नहीं रहे, मुंह हिलाए जा रहे। चचा की गालों को पकड़ा, मैंने कहा, चचा बता दो, क्यों तरसा रहे हो चचा बता दो। चचा ने मुंह पर थूका, मुंह में पान डाला हुआ था ना, चबा रहे थे, रुके हुए थे, लेकिन मैंने जल्दबाजी की तो मुंह पर थूक दिया। फिर कहने लगे, सब्र नहीं है तुझमें, सब्र नहीं है। बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, लेकिन थूकने तो दे, अब मुंह पर थूक दिया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई मर जाता है उसकी रूह घूमती रहती है, तू किसी ऐसे बाबा के पास जा जो रूह को अपने कब्जे में कर पाते हूँ।
मैंने सुना है कई बाबा हैं जो कब्रिस्तान में घूमते हैं रूहों को पकड़ने के लिए, रूहों से काम करवाने के लिए। ऐसे किसी बाबा के पास जा, तेरे दादा की कब्र जहां पर है उससे वो रूह निकालेगा, उसके बाद काम में लेकर आएगा। अब अपने दादा की रूह से लिखवाते रहना जो लिखवाना है, बताओ काम की चीज है ना। भले ही वो बूढ़े चचा ने मेरे चेहरे की रंगत लाल कर दी थी, यह नूर था चेहरे पर या कहूं वो चूना भी था, लेकिन मुझे एक तरीका मिल गया था, वो तरीका जो मेरे अंदर ऊर्जा भर सकता था। ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ जैसे मैं एक शक्ति को महसूस कर रहा हूं। भागने लगा गलियों की तरफ, दो बार नाली में गिरा वो बात अलग है, लेकिन मैं भाग रहा था खुशी के साथ। भागते भागते जब घर आया, मेरी अम्मी मेरे चेहरे की ये रौनक देखकर मुझे चमाट मारने को कर रही और कह रही, किसने थूका है। मैंने कहा, माँ मेरे चेहरे पर ऐसी रंगत आई है ना, ऐसा तरीका वो चाचा ने बताया। मेरी अम्मी पता नहीं क्यों झाड़ू लेकर निकली थी, वो अब बूढ़ा परेशान करता है। मैंने कहा, नहीं अम्मी आज परेशान नहीं किया, आज कुछ ऐसा बताया है जो मुझे हमेशा पता होना चाहिए था। अगले दिन मैं बाबा को ढूंढने लगा। कब्रिस्तान के पास कोई बाबा मौजूद नहीं था। एक आदमी कब्रिस्तान के बाहर बैठा हुआ जमीन पर बैठा बीड़ी पी रहा, मुझे लगा यही बाबा होगा। पांव के पास जाकर मैं कहने लगा, मेरे साथ चलिए, एक रूह से कुछ उगलवाना है, मेरे साथ चलिए। वो मेरे साथ चलने लगा। अपने दादा की कब्र के पास आकर मैं कहने लगा, मुझे दादाजी की रूह चाहिए, कुछ सवाल पूछने हैं। वो मेरी तरफ देखता गया, नीचे की तरफ देखता गया, उसके बाद हाथों से कोई शक्तिशाली चीज करने लगा। बार बार मैं उसे देखता और आंखें नीचे की तरफ कर लेता। ये जो रूहानी काम होते हैं ना, कहते हैं उन्हें देखते नहीं। कई बार ऐसी काली शक्तियां, काली रूहें और शैतान आप पर चिपक जाता है नजरें झुकाए हुए। फिर पीठ पर मुक्का, जोरदार मुक्का पड़ा था। मैं आई, मैंने कहा, क्यों मार रहे हो, आप जो करना चाहते हो करिए। वो बार बार हाथों से फिर से वो शक्तिशाली चीजें करता गया। मैंने नजरें झुकाई और पीठ पर मुक्का, हाय। फिर मैंने कहा, मारे क्यों जा रहे हो, रूह को बाहर क्यों नहीं लेकर आते। वो चमाटे मारने लगा, मेरे पीछे पीछे भागने लगा, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे। उस कब्रिस्तान में उस बूढ़े आदमी को काफी भगाया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। मुझे अब पता लग गया था वो गुस्से में है, शायद कुछ कहना चाहता था या उसकी शक्तियों को मैंने रोका। वहां से बाहर निकलते ही एक आदमी मिला। मैं उस आदमी को कहने लगा, वो बाबा क्या ऐसे ही है, क्या मार मार कर काम करते हैं। उसने देखा और कहा, वो नशेड़ी, वो तो बीड़ी पीता रहता है, कुछ नहीं है, गूंगा है, ऐसे इशारों में बात करने की कोशिश करता है, क्या हुआ। जलील हो गया था मैं, जलील क्या बताता किसी को, एक गूंगे से पिटाई खाकर आया था और मैं सोच रहा था कोई रूहानी काम कर रहा है। वहां से भागा था मैं रोता रोता। जब मुझे आगे कुछ ऐसे आदमी मिले, काले चूल्हे पहने हुए, ये तांत्रिक लग रहे थे, जादू टोना करने वाले। ऐसे तांत्रिकों की पहचान आसानी से की जा सकती है। मुझे लगा यही बाबा हैं। मैं उनसे कहने लगा, देखिए पहले तो पहचान करते हैं, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा, क्या आप रूहों को कब्र से निकाल कर उससे बात करवा सकते हैं, मैं सीधा सीधा पूछता हूं। मुस्कुराते हुए वो तांत्रिक बाबा ने कहा था, यही तो काम है हमारा, रूहें खत्म नहीं होती, शरीर खत्म हो जाते हैं और वो रूह को उसके शरीर से बाहर निकाल कर कैद करना, यही तो हमारा काम है, और इससे हम बहुत सारे ढेर सारे और काम करवाते हैं। लेकिन कोई हमें राशि दे, धन दे, हीरे जवाहरात सोना दे, तो बदले में हम रूह उसके सामने पेश कर सकते हैं। मैंने कहा, ना राशि है, ना धन है, ना हीरे हैं, ना जवाहरात हैं, क्या आप मेरे लिए काम करोगे। वो पता नहीं नीचे की तरफ कुछ देखे जा रहा। मुझे उसकी आंखों में अश्लीलता नजर आई। मैं कहने लगा, देखिए बाबा जी ऐसा मत करिए, मैं ऐसा कुछ करवाना नहीं चाहता। वो तांत्रिक काणा था, उसकी एक आंख अपने आप नीचे गिर जाती थी। तब समझ में आया वो गलत नहीं था, मेरे जो दिमागी स्तर के लक्षण है ना वो गलत थे। बाबा कहने लगा, मेरी आंख गिरती है लेकिन मैं कभी नहीं गिरता, गिरी हुई हरकतें मैंने कभी नहीं की, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरा दिल साफ है, तेरा काम करने को मेरा मन कर रहा है, चल बता कहाँ जाना है। रात का वक्त हुआ, बाबा के पास सब कुछ था, इंसानी खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी से मसल कर हड्डियों का चूरा,
ऐसे ढेर सारा सामान लेकर मेरे दादाजी की कब्र के ऊपर वो बैठ गया। मसाले मारता गया, हड्डियों का चूरा फेंकता गया, लकड़ी फेंकता, सब कुछ फेंकता और फिर कहने लगा, तेरा दादा है बड़ा कमीना, ऊपर नहीं निकल कर आता। मैंने कहा, दादाजी के बारे में बुरा मत कहिए, आप लाश के ऊपर बैठे हैं, आपको पता है ना अगर प्रेत आत्मा भड़क जाए तो क्या कर सकती है। उसने कहा, भड़के तो सही, बाहर तो आए, तेरा दादा बाहर नहीं आता, मुझे नहीं लगता यहाँ पर तेरा दादा है। मैंने कहा, यही कब्र है, मैंने निशानी रखी हुई है, अपने दादा की कब्र की पहचान मैं कर सकता हूँ। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई और तांत्रिक आ चुका है, तेरे दादा की रूह को किसी के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं है, माफ करना बच्चे, अब तेरी मदद मैं नहीं कर सकता। मैं उस तांत्रिक के सामने ही रोने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर मेरी मदद कौन करेगा, मैं एक शायर बनना चाहता था लेकिन बिना शायरी के शायर नहीं बना जा सकता, यानी मेरी जिंदगी गरीबी में बीती है और आगे भी गरीबी में ही बीतेगी। वो तांत्रिक की आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे, वो महसूस कर सकता था, जब किसी का सपना टूटता है ना तो दर्द हर किसी को महसूस होता है। वो तांत्रिक ने मेरा दर्द महसूस किया और कहने लगा, देख मेरे बच्चे, अगर मेरे हाथ में होता तो तेरे दादा की रूह को तेरे सामने पेश कर देता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, अगर मेरे सामने रूह है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं। मैं रोता गया, वो तांत्रिक मुझे चुप करवाने की कोशिश करता रहा, मेरा रोना रुक नहीं रहा था, तो वो तांत्रिक कहने लगा, तेरे लिए कुछ और कर सकता हूं, देख तुझे कोई परेशानी है, भूत प्रेत से निपटारा करवाना हो या किसी और की रूह, कोई लड़की पसंद थी पहले, कोई यहाँ मरी हो तो उसकी रूह तेरे सामने पेश कर दूं, बस प्यार का इजहार कर ले, अब मरी हुई कंप्लेंट भी नहीं करेगी पुलिस के पास जाकर, थोड़ा छेड़ भी लेना, रूह है ना, कुछ और तो कर नहीं सकता। वो तांत्रिक बाबा की वो बातें सुनकर पता नहीं क्यों जमीन से पत्थर उठाकर उसके सर पर मारने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा वो मेरी मदद के लिए आया था, मेरा फर्ज बनता है बाइज्जत उसे यहां से जाने दूं। मैंने बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहा, आप जा सकते हैं, आप मेरा काम नहीं कर सकते, अब ऐसी छिछोरी बातें भी मत कीजिए। वो तांत्रिक मेरे हाथ को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा और कहने लगा, इस कब्रिस्तान में मत रुक मेरे बच्चे, यह बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है, मेरे साथ तू यहाँ पर आया है और जो काली ताकत रूहानी ताकत का इस्तेमाल मैंने किया है ना, उससे कई रूहें यहाँ भटकने लगेंगी, तेरा नुकसान कोई रूह कर सकती है, चल मेरे साथ। आगे की तरफ पढ़ने लगा और मैं मायूस उसके साथ बढ़ता जा रहा था। फिर वो मुझसे पूछने लगा, अब सही सही बता दे, तेरे दादा की रूह से तुझे करवाना क्या था, क्या कोई गड़ा खजाना दादा को पता था या कोई पुरानी किताब, ऐसा कुछ चाहिए था। मैंने उस तांत्रिक को पूरी बात बताई कि मेरे दादा की शायरी मुझे फिल्मों तक पहुँचा सकती है, लेकिन मेरे दादा मौजूद नहीं और जो उन्होंने शब्द लिखे वो सिर्फ 10 लाइनों के ही लिखे, मुझे दादाजी की रूह चाहिए थी ताकि सामने से उनसे मैं शायरी लिखवाता, नोट करता जाता और उसके बाद वो डायरेक्टर को देता और कहता, जिंदगी की कमाई है मेरी, लेकिन अब क्या करूं, शायरी मुझे आती नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है, शब्द कहां से शुरू करते हैं, कैसे अपने उन शब्दों को आगे बढ़ाना है और अच्छे अच्छे वो वाक्य बनाते जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ये तक नहीं जानता कि उर्दू के शब्द कौन से हैं और हिंदी के कौन से हैं, सब मिक्स हो चुका है। वो तांत्रिक मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, एक तरीका है, देख बच्चे एक तरीका है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो 4 महीने पहले मुझसे मिला था, कह रहा था उसके पास कई रूहें हैं, मैंने अपनी जो कैद की गई रूहें उसे बताई क्या क्या कर सकती हैं, ऐसे छिछोरी लड़कियाँ भी मेरे पास हैं जो जवानी में मर गई, पता नहीं क्या कर रही थी, एक नदी के किनारे एक फ़ोन लेकर पता नहीं तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही थी या क्या कर रही थी, वो नदी में गिरी फिर मर गई, ऐसी छिछोरी रूहों को मैंने कैद किया। अब वो भी दिखा रहा था कि उसके पास कैसी कैसी रूहें हैं, बड़े बड़े मशहूर इंसानों की आत्माएं उसके पास हैं, और उसने कहा कि फिल्मों में काम करने वाले एक शायर को वो जानता है, उसकी रूह उसके पास है, अब तुझे मैं अगर उसकी रूह दिला दूं, तेरे दादा की रूह तो नहीं दिला सकता, लेकिन एक शायर की रूह अगर तेरे सामने आ जाए तो बता तू क्या क्या करेगा।
मेरा मायूस चेहरा दोबारा खिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खोई हुई वो ताकत अब दोबारा मेरे करीब आ गई है। छलांग लगाई और मैं कहने लगा, बिल्कुल बिल्कुल, दो मुझे एक शायर की रूह, एक फिल्मों में काम करने वाले शायर की रूह। मेरे दादा से भी एक कदम आगे होगा वो, मुझे बस उसकी रूह ला दो। तब उस तांत्रिक ने कहा, याद रखना, किसी अपने की रूह जब हम बुलाते हैं तो उसके अंदर एक प्यार होता है, प्यार के कारण वो मदद करने के बाद चला जाता है। लेकिन अगर किसी गैर की रूह आप अपने सामने काम के लिए बुलाओ तो वो आपसे अपना काम करवाएगी और फिर आपके लिए काम करेगी। मुश्किल का सौदा हो सकता है और ऐसी रूह आपके शरीर से चिपक जाती है। जब तक उसका काम नहीं होता, आपके शरीर से उसे दूर किया नहीं जा सकता, याद रखना। मैंने कहा, बिल्कुल उसका काम करूँगा, मैं अमीर हो जाऊँगा। मैं अगर मुझे अच्छे अच्छे शेयर वो देगा तो मैं उसका काम क्यों नहीं करूँगा। तांत्रिक ने कहा, चलो फिर। चलने को कहा लेकिन कुछ समय चलकर ऑटो में बिठा दिया। मैंने कहा, आपने तो चलने के लिए कहा था, ये ऑटो तो आगे की तरफ गोल गोल घूमते हुए पहियों से आगे बढ़ रहा है। तांत्रिक ने पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा चूरा निकाला था जो मेरी आंखों में डाला और कहने लगा था, तेरी आंखें बहुत जलती हैं। फिर जब तक आंखों से वो चूरा निकला, मैं एक और कब्रिस्तान में था। उस कब्रिस्तान में वो काला चोला पहने तांत्रिक एक और तांत्रिक से मिला। दोनों गले मिलने लगे, एक दूसरे से बातें की। उसके बाद मुझे उस तांत्रिक से मिलाया और वो तांत्रिक कहने लगा, वो शायर बड़ा अड़ियल है, बड़ा खड़ूस है, दिमाग खराब है, पागल हो चुका है, सोचता रहता था, शेर सोचता रहता था, मुझे सुनाता रहता है। जब भी उसकी रूह को सामने लेकर आता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, मुझे शेर पसंद नहीं। मैंने कहा, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे वो रूह दे दीजिए। वो तांत्रिक ने कहा, कीमत है, कीमत देनी होगी। मैंने जेब को बाहर की तरफ किया और कहा, कीमत नहीं दे सकता, वादा दे सकता हूँ। उसने कहा, वादे तो और भी बहुत सारे मिले हैं, मुझे तो कीमत चाहिए। मैंने कहा, उधार, उधार दे दीजिए वो रूह जब मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि उस रूह से मैं कुछ ऐसा करवाऊंगा जिससे मैं काफ़ी रुपए कमाऊंगा, आपको भी वो रुपए दे दूंगा। वह तांत्रिक मान गया, लेकिन मुझे उसने चेतावनी दी थी, वो जो रूह है काफ़ी अजीब सी है, कोई फिल्मों में काम करने वाला शायर, अब फिल्मों में काम करने वाले जितने भी होते हैं ना वो सब पागल होते हैं, टीवी के अंदर या थिएटर में वो सही लगते हैं, सामने से पागल दिखते हैं। मैंने कहा, मैं भी वैसा पागल बनना चाहता हूँ, फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। वो तांत्रिक ने वो रूह मेरे सामने पैदा की, जमीन से निकली और उसकी पीठ इस तरफ थी। उस तांत्रिक ने कहा, तेरा एक और मालिक आया है, ये अब से तेरा मालिक है, तुझसे कुछ काम करवाएगा और तू इससे वो काम करवा सकता है जिसके लिए मुझे परेशान करता रहता है, करवा ले इससे। वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा लग रही, वो रूह मैं पहचान सकता था, वो आकार एक बड़े शायर का था, मशहूर शायर का जो मर चुका है। वो चेहरा देखकर मुझे अच्छा लगा, भले ही वो शायरी मैंने सुनी नहीं थी लेकिन इतना पता था, कहते हैं वो बाकियों की मदद करते हैं, अपनी शायरी नहीं लिखा करते थे, सुनाया करते थे, जिसे पसंद आ जाए वो अपने नाम पर उसे छपवा सकता था, इतने महान इंसान थे। वाह वाह मेरे मुंह से निकला और सामने से वो शायर कहने लगा, वादा कर, पहले वादा कर, अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा, अगर तूने धोखा दिया तो तुझे मैं मार डालूंगा, पूरी जिंदगी तेरे शरीर को नहीं छोड़ूंगा, तेरे शरीर के अंदर रहूंगा। मैंने कहा, वादा किया। मेरे साथ में वो तांत्रिक मेरा हाथ पकड़ना चाहता था, जैसे ही मैंने कहा वादा किया, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, रुक रुक, अबे कर दिया वादा, बस यही कहना था, किसी रूह से वादा नहीं करते, वादा निभाना पड़ता है, रूह से धोखा नहीं कर सकते। मैं जैसे ही बहुत ज्यादा उतावला था, खुशी में मैं कहने लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वादा पूरा करूंगा। दोनों तांत्रिक हंसे, फिर कहने लगे, ले जा, अब वो तेरे साथ है, वादा हो गया, घर में बैठा दारू पिला और बात कर। जैसा उसने कहा मैंने वैसा किया, छत पर चढ़ गया। मेरे अब्बू को पता नहीं चला, अम्मी को पता नहीं चला, छत पर चढ़ने का एक ही रास्ता, वो पतली वाली दीवार थी, पीछे काफ़ी गाय भैंस रखी हुई और उनका गोबर, उस तरफ गिरता तो बुरा हाल होता, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने के लिए उस दीवार का इस्तेमाल किया और ऊपर चढ़कर, मुझे तांत्रिकों ने बताया था कि कोई हड्डी रखनी है, उस हड्डी को हिलाना है और कहना है, ओ रूह तू मेरी गुलाम है, मेरे सामने आ, मुझसे बात कर, फिर वो रूह सामने आ जाएगी।
मैंने हड्डी हिलाई और सामने वो बूढ़ा आदमी आ गया। मैंने कहा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। वाह वाह, ऊपर वाले ने मेरे लिए एक तोहफा भेजा है। आप मुझे शायरी सुनाएंगे? कुछ तो सुना दीजिए। तब सामने से वो बोला, मरे हुए बहुत समय हो गया है, वो तांत्रिक शायरी करने नहीं देता था, थोड़ी थोड़ी भूल भी गई है, अब पता नहीं होगी या नहीं होगी। मैंने कहा, जो महान होते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं। आप अपनी शायरी का हजारवां हिस्सा भी अगर मुझे सिखा दें, मैं धन्य हो जाऊंगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाह, यानी तूने मेरी रूह से वादा इसीलिए लिया है ताकि तू शायरी सीख पाए। मुझे कभी भी कोई चेला नहीं मिला, कभी कोई चेला नहीं मिला। हर किसी ने मेरा फायदा उठाया, मुझसे मदद मांगी और फिर धक्के मारकर मुझे निकाल दिया। नाम तो मेरा कई फिल्मों में आया, कई ऐसे नाटक, कई थिएटर में आया, लेकिन वो पहचान नहीं मिली, मुझे धक्के देकर भगा दिया जाता था। क्या हुआ अगर थोड़ी कीमत ज़्यादा मांग ली? इसमें कोई कमी थोड़े ना है? मैंने सर हिलाया, नहीं नहीं, ये दुनिया बहुत बेरहम है, जो कलाकार होते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं करते। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, वाह, तुमसे मिलकर तो सच में ऊपर वाले को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं क्या ही कहूँ, बस अब जो बचा हुआ समय है ना, तुम मेरा काम करोगे और तुम्हें शायरी सिखाऊंगा। रुको रुको, मुझे गर्म होने में समय लगेगा, शुरुआत करते हैं। सामने बैठ गया मैं। सबसे पहला सवाल मेरा, शेर बनाते कैसे हैं? दादाजी ने सिखाया नहीं? दादाजी से जब भी मैं छोटा था ना, उस समय पूछा करता था। दादाजी मुझे एक टॉफ़ी दे दिया करते थे, टॉफ़ी देकर कहते थे, चूसो। मैं टॉफ़ी चूसने लगता था, फिर दादाजी कहते थे, अब शेर बनाओ। मैं जैसे ही शेर बनाने के लिए मुंह खोलता, टॉफ़ी गिर जाती और दादाजी तब समझाते, यही सबक है, जो ज़बान पर होता है ना, वो गिरने नहीं देना है। शब्द कई बार ज़बान पर आएंगे, घटिया आएंगे, बेकार आएंगे, लेकिन मुँह से निकालने नहीं है, चूसते रहना है, चूसते रहना है, जब तक स्वाद नहीं आता। जब स्वाद आएगा, उन शब्दों को निकालो। सामने वो शायर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वाह, तुम्हारे दादा भी सच में कलाकार थे। मैंने कहा, बिल्कुल, उन्होंने यह सबक सिखाया था कि शब्दों को मुंह में रखना है। उसने कहा, अच्छा, तुम शब्दों की बात कर रहे थे। मैंने कहा, भी टॉफी मुंह में डालते थे, गिर जाती थी, कलाकार थे, कलाकार मुंह से टॉफी निकालना जानते थे। बाकी मैं किसी को टॉफी दूं, वो तो उंगली काट लेता है। मेरे पोते ना बड़े कमीने हैं, जिंदा होंगे पता नहीं कहाँ, अब उनसे कोई काम नहीं। उससे मेरी बन तो रही थी, लेकिन उसके शब्द अजीब। अब बूढ़े लोगों के शब्द अजीब होते हैं, शायरी तो कमाल की होती है ना। मैंने कहा, कुछ सुनाइए, हो जाइए, शुरुआत करिए, इरशाद इरशाद। उसके आंखों में आंसू आ गए, हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उसने शुरू किया। कमीना था कुत्ता था, कमीना था कुत्ता था, पैसे लेकर भाग गया, शराब की बोतल भी मेरे सर पर मारकर भागा था। मैंने कहा, वाह वाह वाह, ये तो शुरुआत है ना। उसने कहा, शुरुआत? कैसी शुरुआत? मैंने कहा, बस जो भी आपने सुनाया, ये शेर अच्छा था। अच्छा, ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा है। उसने कहा, शेर मैंने कब सुनाया? मैंने कहा, आपने शेर सुनाया? मैंने कहा, इरशाद इरशाद आपने शुरुआत की। उसने कहा, नहीं नहीं, वो तो इरशाद मेरा चेला बनने के लिए आया था, कमीना शराब पीने के लिए पता नहीं कौन से बहाने लगाता था, कुत्ता था, कमीना था, शराब की बोतल मांगता रहता था, सर पर बोतल मारी थी मेरे उसने, जब मैं खाली बोतल में पानी डालकर लेकर आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मुझे लगा आप सिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इरशाद इरशाद। सामने से वो बोला, नाम मत ले उस कमीने का। मैंने कहा, नहीं, चलिए शुरू कीजिए फिर, वो शायरी शुरू कीजिए। वहां पर वो बैठा और उसने शुरुआत की। पर्वतों के पार जो जिंदगी है, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, शहरों में जो है नहीं वो हवाएं हैं, पर्वतों में जिंदगी, पर्वत। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं हाथ उठाने वाला था वाहवा करने के लिए, लाइन पूरी नहीं हुई, ये कैसा शेर है? उन्होंने कहा, मैं शब्द याद कर रहा था, शेर नहीं सुनाया, अब सुनाता हूँ, पर्वत, शहर, गांव, अब सुनो कमाल का शेर। शहरों में जो बंदिश है,
पर्वतों को हवाएं नहीं मिलती, शहरों में जो बंदिश है पर्वतों को वो हवाएं नहीं मिलती, गांवों में लोटा लेकर खेत में बैठो तो पर्वतों में वो हवाएं मिलती हैं, दुर्गंध नहीं मिलती। मैं झांके जा रहा, फिर मैंने कहा, अच्छा है, लेकिन ये मैं सुना नहीं सकता। अगर मैंने मोहल्ले में ये सुनाया, ये पर्वत आप, मैं समझ रहा हूँ कौन से पर्वतों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पर्वत पसंद नहीं आएंगे। ये पर्वतों को अश्लील शब्द कहा जाता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तब सामने से वो बोला, एक शायर ना अश्लील शब्दों को भी घुमाकर ऐसे करता है कि सामने वाले को अच्छे लगते हैं। तुम्हें नहीं पता, इश्क हुआ था मुझे किसी से इश्क, और उसके लिए शायरी लिखा करता था। वो मेरे प्यार में डूबी रहती थी। मैं जो शेर तुम्हें सुनाऊंगा ना, जिससे तुम्हें इश्क है उसे ये शायरी सुना देना, कदमों में आ जाएगी, कहेगी निकाह कर लो निकाह कर लो, तुम कहना कबूल है कबूल है। मैंने कहा, जैसे आपने शायरी सुनाई है ना, निकाह कबूल है ये तो कुछ नहीं होगा, ऑर्डर ऑर्डर ऐसा कुछ सुनना पड़ सकता है मुझे। तब वो शायर कहने लगा, देखो इश्क में शायरी निकलती है, जानता हूँ मैं अच्छे से शायरी नहीं निकल रही होगी, तो तुम मेरा काम करो, उस काम को करते करते मैं तुम्हें सिखाऊंगा शेर कैसे बनाए जाते हैं, शायरी कैसे की जाती है, और किन शब्दों का इस्तेमाल करना है किन का नहीं करना है। तुम भी एक बड़े शायर बनोगे, लिंक मेरे बहुत सारे थे उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा खुश था, मुझे लगा बात तो सही है, जब तक आपके दिल के अंदर वो कसक पैदा नहीं होती आप शायर नहीं बन सकते, मेरे दादाजी ये कहा करते थे। मेरे दादाजी की दादी जी से बनती नहीं थी, दोनों बेलन उठाकर एक दूसरे के सर पर मारा करते थे। फिर जब मेरे दादा ज्यादा पिट जाया करते थे, रोते वक्त कहते थे, जब आपको इश्क मिल जाए तो शायरी निकलती है, अब क्या ही कहूँ। मुझे उस समय लगता था कि दादी से मेरे दादा प्यार करते हैं इसलिए शेर बनाया करते थे। अब मुझे लगता है कि उनके दर्द भरे वो शेर शायद इसलिए थे कि उन्हें प्यार नहीं मिला। नहीं, दादी से प्यार करते थे दादा। उसके बाद मैं उस शायर के साथ सीढ़ी से नीचे उतरा। उसने कहा, जल्दी रात का वक्त है, तुम्हें पता है ना रूहें रात को काम करती हैं, तो चलो रात को चलते जाना, जहां मैं ले जाना चाहता हूं, अपना काम करवाना चाहता हूं, और बदले में मैं तुम्हें सिखाता चला जाऊंगा, एक एक कदम में एक एक बात सिखाऊंगा। मैं जल्दी से भागा और कहने लगा, 10 कदम भागे मैंने, बताइए। वो उड़ता हुआ मेरे करीब आया, सर मेरी छाती पर मारकर गिरा कर कहने लगा, देख शब्दों पर जा रहा है, भावनाओं पर जा भावनाओं पर। मैंने कहा, वाह ये शेर तो अच्छा था, लेकिन शेर और कविता आप हिंदी उर्दू मिक्स कर रहे हैं। उसने कहा, यही तो मेरी खासियत थी, कभी मैं शायर कहलाया नहीं गया और ना कभी कवि कहलाया गया। कवि सम्मेलन में मैंने कई कविताएं सुनाने की कोशिश की, वो कहते इसमें उर्दू के शब्द हैं, तू तो शायर है। जब मैं किसी महफिल में चला जाता शायरी सुनाने के लिए, मुंह से हिंदी के शब्द निकलते, वो कहते तू तो कवि है भाग जा। आज तक समझ नहीं पाया क्यों कवि अलग होते हैं शायर अलग होते हैं, बस हिंदी और उर्दू का ही फर्क है। मैं मिश्रण बनाया करता था, मिश्रण दोनों को मिक्स करके जो मेरी शायरी होती थी ना, बहुत ज़्यादा लोग थे जो ताली बजाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गालें अपने उन हाथों के बीच में ले लेते और गाल पर वो ताली बजाते। मैं हमेशा इसे एप्रिसिएशन ही कहा करता था। उसकी बातें मुझे ऐसा लग रही थी कुछ गड़बड़ वाली हैं, लेकिन होता है ऐसा, शायर क्रिएटिव होते हैं ना, तो क्रिएटिव कुछ मजाकिया भी होते हैं, मजाक कर रहे होंगे। मैंने कहा, सुनाइए कुछ, शुरू हो जाइए, याद करिए अपने प्यार को, याद करिए। और अपने प्यार को याद करके सुनाना शुरू कर दिया उन्होंने, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैंने तभी उन्हें रोका, नहीं, ये किसी और शायर का है, मैंने सुना है, टीवी पर देखा है। उन्होंने कहा, देखो ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी शायरी है, सिखाना चाहता हूँ तो बता रहा हूँ, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा, नहीं देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो बोलोगे मैं लिखूँगा, इसका इस्तेमाल करूँगा, तो अच्छे शब्द बोलिए। उन्होंने अच्छे शब्द बोलने शुरू कर दिए, दूधो नहाओ पूतो फलो,
दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, मैं सामने से कह रहा। हाँ हाँ हाँ, वो समझ गया। आगे आगे, तीन बार बोल दिया, दो बार बोला जाता है। उसने कहा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ बे, आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे, तू समझ क्यों नहीं रहा? देख, तो भावनाओं पर नहीं जाता, शब्दों पर जाता है, और शब्दों पर जाने वाले शायर नहीं बन सकते। मैंने कहा, शब्दों पर जाकर ही तो शायर बनते हैं। अब वाह वाह तो शब्दों को होती है, अब सीना चीर के दिखा दूं क्या भावनाओं को? क्या करूं मैं? उन्होंने कहा, बस ये जो तेरे अंदर गुस्सा भरा है ना, इस गुस्से को शांत कर दे। शायर इश्क से जुड़ा होता है। चलो इश्क की बातें करते हैं। इश्क वो है जो दिल से जुड़ा है, इश्क वो है जो दिल से जुड़ा है। बाकी सरिया लेना है तो अंबुजा वालों का लेना, वो कभी नहीं मुड़ा है। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने कहा, ये कैसी शायरी है? उसने कहा, देखो मैं बड़ा शायर हूँ, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए शेर लिखे हैं। वो तो नाम किसी और ने ले लिया, वरना इसी के दम पर मैंने लाखों कमाए हैं। भले ही शुरुआत हो रही है मेरी, अच्छे अच्छे शब्द मैं याद कर रहा हूँ। रूह ना अच्छे याद शब्द नहीं है मुझे, बस याद करने दे। मैं साथ साथ चलता गया, शेर सुनाने के बहाने अपनी प्रेम कहानी सुनाते गए। शेर तो बाद में सुनाऊंगा, मेरी बात सुनो। उस समय मैं 18 साल का था। 18 साल का एक लड़की से इश्क हो गया था। इश्क, तुम जानना चाहते थे ना कैसे मैं शायर बना? तो सुनो, 18 साल की उम्र में इश्क हुआ था। तुम बताओ तुम्हें कब हुआ? मैंने कहा, मैं 25 साल का हूँ, अब तक नहीं हुआ। कोई लड़की करीब नहीं आती, शायरी अच्छी होती नहीं, बात बनती नहीं। उन्होंने कहा, 18 साल का था जब लड़की से इश्क हुआ था, वो मिल ही नहीं पाई, क्या करूं वो मिल ही नहीं पाई। मैंने उन्हें कहा, क्या हुआ, आपको मिली क्यों नहीं, आपने प्यार का इजहार नहीं किया? उन्होंने कहा, मैंने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा। उसके अगले दिन एक आदमी आकर मुझे पीटने लगा, कहने लगा, मेरी बीवी से क्या बोला तू? उस समय मुझे बहुत दुख लगा था। इश्क तो हुआ था, वो मेरा पहला इश्क था। 18 साल का था, वो मेरा पहला इश्क था। मुझे उस शायर की बातें दिमाग घुमाने वाली लग रही। फिर मैंने उस शायर को अपने दिल की बात कहनी सही समझी कि इससे मैं भावनाओं में बहकर कुछ बताऊंगा, तो वो भी भावनाओं में बहकर शेर सुनाएंगे। मैंने कहा, देखिए, किसी से प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब मैं 21 साल का था ना, सामने वाली एक आंटी ने मुझे आँख मारी थी। मुझे नहीं पता, शायद वो ठरकी थी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने अपनी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा गालियाँ सुनाई, फिर वो गुस्से में घूर कर देखती रही। वह शायर बोलने लगा, आँख की बात कर रहे हो तो तब मैं 20 साल का था, पहली बार किसी लड़की ने मुझे आँख मारी थी, पहली बार। मैंने कहा, फिर आँख मारी, बात आगे बढ़ानी थी ना, अब वो शादीशुदा तो नहीं थी? उसने कहा, नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी, बिल्कुल मेरी हम उम्र, और अपने होंठों को ऐसे हिला भी रही थी। मैंने कहा, तो बात बन गई, होंठों से होंठों को जोड़ना था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, होंठों से होंठ जोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो आँख मार रही थी, आँख फड़क रही थी उसकी, जहर खा लिया था किसी आशिक के लिए, तो होंठों से उसके झाग निकल रही थी। अब होंठों से होंठ जोड़ता तो इस समय मैं बड़े आकार में यहाँ रूह बनकर नहीं घूम रहा होता, उसी उम्र में मर चुका होता, छोटी रूह होता। वो शायर ऐसी ही बातें करता करता मुझे एक मोहल्ले में ले गया, वहाँ एक पुराने घर की छत पर चढ़ने के लिए कहा। मैं उससे पूछ रहा, इस छत पर क्यों चढ़ना है? उसने कहा, ये हमारा पुश्तैनी घर हुआ करता था, इसकी छत पर चढ़ो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहली मंजिल पर चढ़ा था, छत गिर गई, छत के समेत मैं भी गिरा, पीठ पर चोट लगी थी, और फिर मैं उसे कह रहा, ये क्या पुराने घर पर चढ़ा दिया, पीठ ना टूट जाए मेरी। उसने कहा, नहीं टूटती, मैं कई बार जैसे उस तांत्रिक से उड़ता हुआ यहाँ आया करता था, छत पर चढ़ता था, पहले तो छत कभी नहीं गिरी, तुम मनुष्य लगते हो। मैंने कहा, तुम रूह हो, रूह, तुम्हारे पास शरीर नहीं है, तुम्हारे पास वजन नहीं है, मेरा वजन है, इसीलिए मैं गिरा हूँ। वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, पहली बार मरा हूँ ना, इसीलिए पता नहीं लग रहा। फिर जब हम छत पर चढ़ गए थे ना, वो कहने लगा, वो सामने जब खिड़की खुलेगी ना, तुम्हें मेरा प्यार नज़र आएगा। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, बूढ़ा था वो, भले ही रू था, मैं कहने लगा,
इस उम्र में आशिकी? उसने कहा, आशिकी किसी भी उम्र में की जा सकती है, क्योंकि जवानी में आशिकी के सिवा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बुढ़ापे में और खास तौर पर मरने के बाद सिर्फ सच्ची आशिकी की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। समझने की कोशिश करो, जब वो खिड़की खुले मुझे बता देना। वो नीचे बैठ गया, मैं खिड़की की तरफ झांकता गया। फिर वो मुझे बताने लगा, यहाँ तक तुम मुझे लेकर आए हो ना, इसीलिए तुम्हें मैं शुरुआत का तरीका बताता हूँ। जब तुम्हें कोई भी शेर बनाना हो, तुम्हें अपने दिल में दर्द महसूस करना है। याद करो तुम्हारा दिल कब टूटा था। मैं याद करने लगा, मेरा दिल कभी नहीं टूटा, कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। मैं उस शायर के सामने खड़ा होकर कहने लगा, मेरा दिल नहीं टूटा, कभी प्यार नहीं हुआ किसी से, कोई लड़की मानी ही नहीं। उसने कहा, एक तरीका है, एक तरीके से मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ। मुझे लगा कोई ना कोई लड़की जानती होगी, हो सकता है इसकी पोती ही हो, कह दे उससे इश्क करवाऊंगा, दिल टूटेगा पहले, रिलेशनशिप में तो ले आए ना। मुस्कुराते हुए शर्माते हुए मैंने कहा था, जी जी आप बताइए फिर कैसे कर सकते हैं दिल तोड़ना। ईंट उठाई कमीने ने छाती पर मारी और कहा, टूटा दिल तेरा टूटा। मेरी छाती पर बैठ गया, तीन बार ईंट मारी छाती पर और कहने लगा, टूटा टूटा। मैंने कहा, हाँ, टक की आवाज तो आई थी लेकिन वो दिल की आवाज नहीं, मेरी पसली की आवाज थी जो ईंट से उसने तोड़ डाली थी। वहीं पर मैं बैठा हुआ सांस नहीं ले पा रहा और उसने कहा, तुझे पता है रूह में एक शक्ति होती है, तेरा सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, तेरी हड्डी भी टूटी है, ये देख मैं ठीक करता हूँ। भले ही वो शायर पहले मुझे बुरा लगा, जब उसने हड्डी जोड़ दी, दर्द गायब हो गया, तब मुझे अच्छा लगने लगा, लेकिन उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थीं। वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे शेर सुनाता जा रहा, वो शायरी का न सर था न पैर था, लेकिन उसने ये कहा, बस एक बार अपने इश्क को देख लूँ, तेरे शरीर में आऊँगा मैं, बाहें फैलाऊंगा मैं शाहरुख खान की तरह और एक आवाज़ लगाऊंगा, खिड़की के पार जो भी होगा वो मेरे इश्क को याद करेगा, तुझसे शायद लिपट भी जाए। सामने खिड़की खुली, मुझे 75 साल की एक बुढ़िया नजर आई जो इधर देख रही, इस घर की तरफ देख रही, और उस शायर की रूह जैसे मेरे शरीर में आई। मैंने बाहें फैलाई और मैं कहने लगा, प्यार करूंगा मरने के बाद भी, आ गया मैं शीलू, आ गया मैं। पहली बार 75 साल की बुढ़िया को भागते हुए देखा, खिड़की लगा कर वो भागी, इतनी तेजी से भागी छत पर चढ़ गई। मुझे लगा प्यार उसकी आंखों में जाग गया होगा, छत से छलांग लगा दी उसने, 3 मंजिला उस घर से छलांग लगाकर नीचे गिरी, खून निकला सर से, और उसके बाद वो शायर कहने लगा, भाग भाग भाग, वो तो मर गई। उसके समेत भागा मैं, वहाँ भीड़ जमने लगी थी, मैं वहाँ से भागा क्योंकि पकड़ा तो मैं जाता। बाद में मैंने कहा, ये क्या था, मरवा दिया उसे। उसने कहा, पता नहीं उसे प्यार समझ में ही नहीं आया, 30 सालों से प्यार करता हूँ, कहे जा रहा था कि मुझसे शादी कर ले, अपने पति को छोड़ दे, वो कह रही थी पुलिस को बुलाऊंगी, एक बार पुलिस को बुलाया था, पिटवाया था, मैंने कहा मैं मानने वाला नहीं, उसके पीछे पड़ा रहता था, मुझे लगा था कभी ना कभी मेरे प्यार को याद करेगी। मरने से पहले कुछ दिन पहले जब मैं बीमार था, वादा किया था मरने के बाद मैं वापस आऊँगा, उसने कहा था अगर मरने के बाद तू भूत बन के आया ना उसी दिन जान दे दूंगी, मुझे लगा था मजाक कर रही है, उसने तो सच में जान दे दी। तूने मेरा काम किया है, अब बता कैसी शायरी तुझे चाहिए। मैंने कहा फिल्म एक्शन वाली है, एक्शन वाला शेर सुना दो। उसने कहा तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ, लिखो डायरी में लिखो, वो मेरे प्यार में सालों से कहाँ थी गुम, कहाँ थी गुम, वो मेरे प्यार में सालों से कहाँ थी गुम, कहाँ थी गुम, बिशुम 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 बिशुम। मैं उसकी तरफ देख रहा, एक बार मेरी आंखों से आंसू आ रहे, ये क्या था। उसने कहा एक्शन वाला शेर, एक्शन वाला, देख एक्शन फिल्मों में ऐसी शायरी चलती है। मुझे रुला डाला उसने, वो रात रुला डाला। डायरी में मैं लिखता गया, जो वो बोलता गया मैं लिखता गया, समय बीतता गया, हर रोज वो शायरी बोलता, हर रात मैं रोता। मुझे लगा था शुरुआती दिन ऐसे होंगे, लेकिन 3 महीने गुजर चुके थे, डायरी उसने भर दी थी, चुनाव किया उसमें से,
मैंने चुनाव किया 6 वाले शेरों का। वो शायरी जब मैं उस डायरेक्टर को सुनाऊंगा शायद मुझसे इम्प्रेस हो जाए। वो शायर की रूह जा चुकी थी, मैंने आज़ाद की क्योंकि उसने मेरा काम किया। मुझे नहीं पता काम हुआ या नहीं हुआ, उसका भी काम हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास डायरी में ऐसे शेर थे 3-4 महीनों के लिखे हुए, चुने हुए उनमें से मैंने डायरेक्टर को सुनाने शुरू किए थे। वो डायरेक्टर मेरे सामने, एक मशहूर एक्टर एक तरफ बैठा हुआ। वो डायरेक्टर ने कहा, सुनना सुनना, ये शब्द बहुत अच्छे सुनाता है, मुझे इसने वो शायरी सुनाई थी, मैंने इसे काम दिया था, 4 महीनों में आग लगा देगा, आग शुरू कर बच्चे, शुरू कर, देख भीड़ है पूरी। वहाँ तकरीबन 75 लोग थे और मैंने जो शेर शुरू किया मुझे नहीं पता, मुझे बदल दिया था उसने, मेरे शरीर के अंदर आया करता था, अपने जैसी शायरी सुनाया करता तो मेरा दिमाग वैसा हो गया, मुझे लगने लगा था वैसे शेर चलते हैं, ये मॉडर्न शेर है, मॉडर्न, ये मॉडर्न शायरी है, मॉडर्न। सुनाने शुरू की, ऊपर वाले ने दिया है हमें गेहूं ज्वार और जौ, ऊपर वाले ने दिया है हमें गेहूं ज्वार और जौ, ओ कहंदी पौ पौ पौ, ओ कहंदी पौ पौ पौ। वहां शांति थी शांति, और एक पल के लिए लगा हक्का बक्का कर दिया। तभी वो एक्टर कहने लगा, ये क्या था? वो डायरेक्टर कहने लगा, अरे अरे मजाकिया भी बहुत है, ये मजाकिया भी बहुत है, चलो चलो फिर सुना दो, हंसे हंसे सब हंसे, ताली बजाओ ताली बजाओ, हंसी आई मजाक किया, चलो शुरू हो जाओ। फिर मैंने अगला शेर सुनाया, खलासी के खुलखुले में जलाउल सा फुलसा, न ढिलसा न वुलसा, न खलासी न फुलसा, सामने एक बार के लिए उनकी आंखें खुली रह गईं, ना तो वो ताली बजा पा रहे, सर को खुजा रहे और कह रहे, ये कैसी उर्दू है, ये शब्द कभी सुने क्यों नहीं। कई माहिर थे वहां पर उर्दू के, हर किसी ने सर को पकड़ा, फिर कहने लगे, लड़का लगता है ज्यादा गहरी उर्दू बोलता है, देख बच्चे थोड़ी साधारण समझ में आने वाली, अब तू सच में काफी ज्यादा आगे निकला हुआ लगता है, हमारे जमाने का कुछ ऐसे वाला सुना दे जो समझ में आए। ये समझ में नहीं आया, कभी दुनिया ने अपनों को दूर किया, कभी दुनिया ने आशिकों को मारा, कभी दुनिया ने अपनों को दूर किया तो कभी दुनिया ने अपनों को मारा मारा। सब तरफ ऐसे तैयार हो गए, कह रहे वाह वाह वाह, आगे आगे। मैंने कहा, छड़े आंदे टट्टू ते टप चढ़ दी बोलो तारा रारा। वहां 75 लोगों ने पकड़ लिया मुझे, उठा उठा कर पटक रहे, कह रहे ये क्या है ये क्या है। कई शायर थे वहां, कपड़े फाड़ दिए मेरे, बोले ये कैसी शायरी है। मैंने कहा, एक मौका, आखिरी मौका, सबसे अच्छे वाला सुनाता हूँ। और मैंने उस डायरी में सबसे अच्छे वाला अंत के लिए रखा था, मुझे लगा था उससे कमाल होगी, लेकिन ऐसी कमाल होगी मुझे नहीं पता था। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। सामने से सब कहने लगे, ये चोरी है चोरी है चोरी है, ये पागल है। मैंने कहा, एक बार पूरा कर लेने दीजिए, शब्द अलग हैं शब्द अलग हैं, मेरे गुरु ने मुझे सिखाए हैं, बड़े शायर मशहूर शायर। उन्होंने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया कि उनकी रूह से सीखा है। सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला, और मैंने लाइन पूरी की, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो किनारे पर फट गई क्योंकि किनारे पर बम था, वहां थिएटर में उन लोगों ने आग लगा दी, मुझे पकड़कर वहां जलाना चाहते थे, कह रहे उसे भी बड़ी मुश्किल से इस दुनिया से दूर भेजा है, कमीना बूढ़ा होकर भी मरता नहीं था, पहुंच जाता था हर थिएटर में, कहता था शेर सुनो शेर सुनो, 5 एक्टर को उसने पागल कर दिया, 2 डायरेक्टर अब भी दीवारों पर सर मारते हैं, कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो छत से छलांग लगाकर मरना चाहती थी, वो पागल था, उसने तुझे भी पागल कर दिया। वहां से पकड़कर मुझे पागल खाने ले जाया गया, मैं कहता रहा मैं पागल नहीं हूं, बस शायर बनना चाहता हूं, जब कोई कहता शेर सुना मैं सुनाने लगता, फिर पकड़कर मुझे एक कमरे में डाल देते, कहते इसे बिजली के झटके दो, बिजली के झटके सही मैंने, लेकिन मुझे पागल खाने से बाहर निकाला नहीं गया, यहीं पर हूं अभी। ये मेरी आत्मकथा, मेरी जिंदगी की कहानी,
महान शायर बनना चाहता था, लेकिन बड़े लोगों को ये दुनिया समझ नहीं पाती जैसे मुझे समझ नहीं पाई। मैंने उनसे सीखा था जो महान थे, और उसके बाद मैं उनसे आगे और महान बनना चाहता था, लेकिन ये दुनिया अच्छे लोगों को पकड़कर कैद कर देती है जैसे मुझे कैद किया। कोई हमारी मदद नहीं करता, हमारी मदद के लिए ऊपर वाला भी नहीं आता, हम क्या करें। बस आप तक अगर मेरी ये कहानी पहुंच गई, मैं यही कहना चाहता हूं, आप जिंदगी में कुछ इतना बड़ा मत कीजिए कि लोगों को समझ ना आए। लोग पीछे रहना चाहते हैं, कई बार हमारा दिमाग बहुत एडवांस हो जाता है। खुद को संभाल कर रखिए और नीचे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।